सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शिव चालीसा और उसकी महिमा के महत्व के बारे में। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। भगवान शिव अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को उनकी सौम्य आकृति के साथ उनके रौद्र रूप के लिए भी पहचाना जाता है। वेदों के अनुसार भक्त शिव चालीसा का अनुसरण अपने जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिए करता है। शिव चालीसा के माध्यम से आप भी अपने दुखों को दूर करके शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में शिव चालीसा का बहुत महत्व है। शिव चालीसा के सरल शब्दों से भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। शिव चालीसा के पाठ से कठिन कार्य को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। शिव चालीसा की 40 पंक्तियाँ सरल शब्दों में विद्यमान हैं, जिनकी महिमा बहुत ही ज़्यादा है। भगवान शिव भोले स्वभाव के होने के कारण भगवान भोलेनाथ कहलाते हैं। उनकी शिव चालीसा का पाठ करने से वो अपने किसी भी भक्त से आसानी से मान जाते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान दे देते हैं। आइए जानते हैं शिव चालीसा के पाठ की सरल विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। अपना मुंह पूर्व दिशा में रखें और कुशा के आसन पर बैठें। पूजन में सफ़ेद चंदन, चावल, कलावा, धूप दीप, पीले फूलों की माला और हो सके तो सफ़ेद आग के 11 फूल भी रखें और शुद्ध मिश्री को प्रसाद के लिए रखें। पाठ करने से पहले गाय के घी का दिया जलाएं और एक लोटे में शुद्ध जल भरकर रखें। भगवान शिव की शिव चालीसा का 3 या 5 बार पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ बोल बोल कर करें। जितने लोगों को यह सुनाई देगा उनको भी लाभ होगा। शिव चालीसा का पाठ पूर्ण भक्ति भाव से करें और भगवान शिव को प्रसन्न करें। पाठ पूरा हो जाने पर लोटे का जल सारे घर में छिड़क दें। थोड़ा सा जल स्वयं पी लें और मिश्री प्रसाद के रूप में खाएं और बच्चों को भी बांटें। शिव चालीसा कैसे देगी मनचाहा वरदान? ब्रह्म मुहूर्त में एक सफ़ेद आसन पर बैठें। उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठें। गाय के घी का दिया जलाकर शिव चालीसा का 11 बार पाठ करें। जल का पात्र रखें और मिश्री का भोग लगाएं। एक बेलपत्र भी उल्टा करके शिवलिंग पर अर्पण करें। मनचाहे वरदान की इच्छा करें और यह पाठ 40 दिन तक लगातार करें। इससे आपको मनचाहा वरदान अवश्य प्राप्त होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।